हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षता नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपना जो रिसर्च का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है, एथिकल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च, उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे कौन से दो प्रिंसिपल्स बचे हुए हैं? तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, हर इंसान की, हर ह्यूमन की कुछ अपनी डिग्निटी होती है, उसके लिए क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए हमने ये प्रिंसिपल बनाया हुआ है, एक सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो इसके अंदर दो हम राइट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट राइट आता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, और एक है राइट टू फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, नाम से कुछ पता चल रहा होगा कि सेल्फ डिटर्मिनेट। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट है उनको खुद डिटरमाइन करना है, खुद निश्चित करना है। ठीक है, डिसाइड करना है कि उनको स्टडी में इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना, ये उनकी खुद की चॉइस है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या आ सकती है कि पार्टिसिपेंट को किसी भी टाइम उस स्टडी से विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड कि पार्टिसिपेंट कोई भी क्वेश्चन स्टडी के अंदर पूछ सकते हैं किसी तरह का उनको डाउट हो। और नेक्स्ट क्या है, लास्ट फोर्थ पॉइंट इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो पार्टिसिपेंट है वो किसी भी इन्फॉर्मेशन, अगर उनको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पे नहीं देना चाहते तो उस क्वेश्चन को वो मना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उनको पार्टिसिपेंट को खुद डिसाइड करना है कि उसको इन बातों का उनको आंसर देना है, स्टडी में इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है। ठीक है, तो हमारा मीनिंग यहीं से निकल के आता है इसका, इस राइट का। ठीक है, चार चीज़ें बोली मैंने, क्या क्या बोला कि डिसाइड वेदर टू पार्टिसिपेट इन स्टडी, ठीक है, दूसरा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लिख लेते हैं कि उनकी मर्जी है कि उनको स्टडी में इन्वॉल्व होना है, पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना। पार्टिसिपेंट्स डिसाइड वेदर टू पार्टिसिपेट इन स्टडी। दूसरा, पार्टिसिपेंट रिफ्यूज टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी इन्फॉर्मेशन को देने से मना कर सकते हैं। थर्ड, Participant can ask any question in between the study. Study के बीच में कभी भी वो question पूछ सकते हैं। ठीक है, next क्या है, Participant can withdraw the study at any time, किसी भी time है या फिर पे वो अपनी स्टडी को छोड़ सकते हैं, एट एनी टाइम। ये नहीं कि अगर उन्होंने एक बार एग्रीमेंट कर दिया कि हाँ वो स्टडी में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, बाद में रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, वो किसी भी टाइम स्टडी से निकल सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट को खुद डिसाइड करना है कि वो स्टडी का पार्ट बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। रिसर्चर का किसी तरह का कंपल्शन, किसी तरह का जोर दाब दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें साथ ही डिटरमाइन करने के साथ साथ, ठीक है, एक चीज़ और आती है इसमें, जो पार्टिसिपेंट है, ठीक है, उनको एक चीज़ फ्रीडम और दी जाती है, वो है फ्रीडम ऑफ कोहेरेशन, COERICN, ठीक है, कोहेरेशन। तो फ्रीडम ऑफ कोहेरेशन, कोहेरेशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिसिपेंट को स्टडी में इन्वॉल्व अगर वो नहीं होना चाहते तो उन्हें किसी तरह की थ्रेट नहीं मिलनी चाहिए, थ्रेट ऑफ पेनल्टी, ठीक है, कि अगर वो इन्वॉल्व नहीं होंगे कि उनको इस तरह की कोई पेनल्टी लगेगी, इस
ठीक है, या फिर उनको कोई सज़ा दी जाएगी, उनको कोई फाइन दिया जाएगा, तो इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, इसमें कोरिसन का मतलब क्या है, थ्रेट ऑफ पेनल्टी इफ़ दे आर रिफ्यूजिंग टू इन्वॉल्व इन स्टडी, अगर वो स्टडी में इन्वॉल्व या फिर पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे हैं तो उन्हें किसी तरह की धमकी नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा इसका मतलब क्या है कि एक्सेसिव रिवार्ड टू पार्टिसिपेट इन स्टडी, ठीक है, फॉर, इसको ऐसे लिख लेते हैं, फॉर agreeing to participate in study, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ है। अगर वो स्टडी में इंक्लूड होना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए कि उनको एक्सेसिव कुछ तुम गिफ्ट दो, उनको कुछ इनाम देने लग जाओ, उनको कुछ रिवार्ड देने लग जाओ, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ से, ठीक है, पार्टिसिपेंट को क्या फ्रीडम होनी चाहिए, या अगर वो स्टडी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो एक्सेसिव रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए उनको, अगर स्टडी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उनको किसी तरह की थ्रेट भी नहीं मिलनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोरिसन, फ्रीडम फॉर ऑफ कोरिसन, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में हम पढ़ रहे हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर ये राइट हम पार्टिसिपेंट्स को देते हैं तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फुल डिस्क्लोज़र, ठीक है। फुल डिस्क्लोज़र में हम क्या पढ़ सकते हैं कि नाम से पता चल रहा है, फुल डिस्क्लोज़र मीन्स पार्टिसिपेंट को फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट दी स्टडी पर्पस, ठीक है, कि स्टडी का क्या पर्पस है, किस लिए स्टडी की जा रही है, उसके लिए उस पार्टिसिपेंट्स को फुल इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। तो ठीक है, तो फुल डिस्क्लोज़र का मतलब क्या है, फुल information should be given to participant, ठीक है। और दूसरे क्या बता सकते हैं, full information given to participant about the, किसके बारे में, study nature, ठीक है, किसी जो स्टडी है वो करने जा रहा है रिसर्चर, उसका नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, स्टडी करने का पर्पस क्या है, उसके बारे में पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी क्या बताओगे आप पार्टिसिपेंट को, रिसर्चर को क्या बताना चाहिए, कि जो पार्टिसिपेंट है उनका राइट है कि वो किसी भी टाइम उनसे किसी तरह की क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये रिसर्चर को खुद से पार्टिसिपेंट को बताना चाहिए, ठीक है, इन्फॉर्म अबाउट पार्टिसिपेंट राइट, ठीक है, उनके क्या क्या राइट हैं, ठीक है, वो किस टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस वो पीज में पूछ सकते हैं, तो सब तरह की चीज़ें रिसर्चर को बताने चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है कि रिसर्चर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी थ्रू आउट द स्टडी, ठीक है, इन्फॉर्म अबाउट रिसर्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिसर्चर का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में भी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को लगना नहीं चाहिए कि हाँ उनके ऊपर एक पता नहीं स्टडी किस तरह की जा रही है, क्यों वो कर रहे हैं, रिसर्चर हमारी हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा बीच में, ठीक है, उनको गाइडेंस किसी तरह की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो क्या ट्रीटमेंट उनको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारा जो रिसर्चर का भी जो रोल है स्टडी के अंदर, वो भी उसको पहले से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं, स्टडी के बेनिफिट एंड रिस्क, ठीक है, वो भी रिसर्चर को पहले बताना है, ठीक है। तो इन सब के बारे में पार्टिसिपेंट्स को फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फुल उन डिटेल से रिसर्चर को पार्टिसिपेंट को बताना चाहिए, ठीक है, तभी वो अपनी स्टडी को उन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, अगर रिसर्चर स्टडी के बारे में फुल एक्सप्लेन कर देता है, उसके किस तरह की स्टडी है, क्यों करना जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, तो कुछ इशू, कुछ
ऐसे कुछ सेंसिटिव इशू होते हैं, कुछ ऐसे सेंसिटिव रिसर्च स्टडी हो सकती हैं, ठीक है, जिनमें अगर वो इन्फॉर्मेशन फुल देता है रिसर्चर तो वो उसकी स्टडी में भी पॉसिबल नहीं हो कंडक्ट करनी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर वो एक हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना चाह रहा है, हाइपोथेसिस कैसा है, ठीक है, इस साइड लिख रही हूँ मैं, हम राइट टू फुल डिस्क्लोज कर रहे हैं मगर मैं इस साइड लिख रही हूँ, आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एग्जांपल के लिए रिसर्चर को एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्चर को देखना है कि जो स्टूडेंट्स विद हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, जो स्टूडेंट ज़्यादा एब्सेंट होते हैं, एब्सेंटिज्म इन हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट विद हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म आर मोर लाइकली टू बी सब्सटेंस अब्यूज़र देन स्टूडेंट्स विद हाई अटेंडेंस, ठीक है। इस हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स विद हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा एबसेंट होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू बी सब्सटेंस अब्यूज़र, ठीक है, वो सब्सटेंस अब्यूज़र ज़्यादा होते हैं, और जो स्टूडेंट्स विद हाई अटेंडेंस, जिनकी अटेंडेंस ज़्यादा होती है, वो सब्सटेंस अब्यूज़र कम होते हैं, ठीक है। तो रिसर्चर ने ये इस तरह के हाइपोथेसिस बनाया है जिसको वो स्टडी करके इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा कि हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं है। थीसिस के अकॉर्डिंग अगर रिसर्चर फुल इन्फॉर्मेशन उसको देगा, ठीक है, पार्टिसिपेंट को फुल इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो क्या होगा कि कुछ जो पार्टिसिपेंट है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कि इस स्टडी में पार्टिसिपेट ही ना करें, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स क्या है, अगर पार्टिसिपेट कर लेंगे तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो रिसर्चर की जो फाइंडिंग्स हैं वो डिस्टर्ब होगी, उसको जो एविडेंस चाहिए करेक्ट है वो करेक्ट एविडेंस रिसर्चर को नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके रिसर्चर की स्टडी इस तरह की होगी कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपना बिहेवियर है, जो अपना जो है नेचर है खुद का, वो चेंज कर सकते हैं। तो इन सिचुएशंस में क्या किया जा सकता है, दो टेक्निक्स हैं जो रिसर्चर यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी टेक्निक हैं, फर्स्ट है हमारी कोवर्ट डाटा कलेक्शन, ठीक है, और दूसरी है हमारी डिसेप्शन। सबसे पहले कोवर्ट डाटा कलेक्शन क्या है, कोवर्ट डाटा कलेक्शन का मतलब है कंसीलमेंट, ठीक है, CONCELLMENT, कंसीलमेंट का मतलब है कि जो रिसर्चर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो पार्टिसिपेंट को नहीं बताएगा, ठीक है, मगर हमने पहले पढ़ा तो था कि फुल डिस्क्लोज करना है पार्टिसिपेंट को, बट कुछ सिचुएशन, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें रिसर्चर क्या पार्टिसिपेंट को अगर फुल इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, जैसे इस केस में हुआ था, तो मे बी उसके जो पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन करने में उसको प्रॉब्लम हो, या फिर जो सिलेक्ट किया हो तो उसका जो रिजल्ट आया है वो करेक्ट ना हो, उसको एविडेंस अच्छे से नहीं मिले, ठीक है, उसकी जो स्टडी है वो क्या है करेक्ट नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या है कि दो टेक्निक वो यूज़ कर सकता है, फर्स्ट है कोवर्ट डाटा कलेक्शन, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पार्टिसिपेंट से छुपाई जाती है, ठीक है, उसको कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है स्टडी के बारे में नहीं दी जाती। तो वो यहाँ पे डाटा कलेक्ट कैसे करेगा कि या तो वो क्या करेगा, वीडियो टेपिंग के थ्रू अपनी जो डाटा है पार्टिसिपेंट से ले सकता है, ठीक है, पार्टिसिपेंट को नहीं पता होगा कि उनका जो बिहेवियर है वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो वीडियो टेपिंग के थ्रू डाटा कलेक्शन कर सकता है, या फिर क्या करेगा रिसर्चर डायरेक्ट ऑब्जर्व करेगा पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर को, ठीक है, और
मगर जो उनको पार्टिसिपेंट को लगेगा कि उनको कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जर्व जो रिसर्च है ऑब्जर्विंग द पार्टिसिपेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफ देयर नॉलेज, ठीक है। मीन्स उनको पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, बट क्या है कि रिसर्चर किसी और एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होके शामिल होके क्या उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो ये इस तरह से क्या है कि रिसर्चर कुछ सेंसिटिव केसेस होते हैं, कुछ इस तरह की रिसर्च प्रॉब्लम होती हैं, तो जो रिसर्चर को क्या है कोवर डाटा कलेक्शन के थ्रू अपना डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी टेक्निक है डिसेप्शन। डिसेप्शन में क्या है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है, फॉल्स इंफॉर्मेशन गिवन टू पार्टिसिपेंट, ठीक है। जैसे इस केस में अगर वो ये बता देगा कि वो उनके सब्सटेंस अब्यूज़र्स का जो का रेट देखना चाह रहा है, ठीक है, तो वो क्या है पार्टिसिपेंट नहीं शामिल होंगे। मगर अगर वो क्या है फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा पार्टिसिपेंट को, बोलेगा कि नहीं वो सिर्फ क्या असेस करने आया है कि उनके जो हेल्थ प्रैक्टिसेस है स्टूडेंट्स की वो असेस करने आया है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि फिर वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाएगा, डाटा क्या है कलेक्ट कर पाएगा, पार्टिसिपेंट भी एग्री हो जाएंगे उसकी स्टडी में इन्वॉल्व के लिए, ठीक है। तो उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी कि वो जनरल जो हेल्थ प्रैक्टिसेस है सिर्फ उसको देखने आया है, ठीक है। तो ये कौन सी टेक्निक हमारी, डिसेप्शन। और एक हमने की थी कवर्ट डाटा कलेक्शन, इसमें पूरी इसमें कंसील किया, इसमें इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जाती, ठीक है, विदाउट द पार्टिसिपेंट नॉलेज डाटा कलेक्ट किया जाता है, और इसमें क्या है इन्फॉर्मेशन दी जाती है बट वो फॉल्स होती है, ठीक है। तो जो दो टेक्निक है वो कुछ केसेस में यूज़ की जाती है रिसर्चर के द्वारा, हर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बट तो इसलिए इन जो टेक्निक है कुछ रिसर्चर इसको सही मानते हैं, ठीक है, और कुछ इसको नहीं मानते, क्योंकि नहीं मानेंगे क्योंकि ये जो राइट ऑफ फुल डिस्क्लोज़र है ये कम्प्लीटली फॉलो नहीं होता है इस केस में, ठीक है। और कुछ रिसर्चर ठीक क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं तो क्या है पेशेंट जो है बेनिफिट है, ठीक है, सोसाइटी को बेनिफिट हो सकता है इस तरह की स्टडी करने से, और पार्टिसिपेंट्स को कोई हार्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम अगर पेशेंट को पार्टिसिपेंट को हार्म नहीं होता है, सोसाइटी का बेनिफिट होता है, तो इन चीज़ों को हम इन टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रिवेसी भी अगर मेंटेन हो रही है पार्टिसिपेंट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो टेक्निक है जो रिसर्चर है यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट टू फुल डिस्क्लोज़र। अब नेक्स्ट, तो इसी दो राइट के साथ, ठीक है, एक तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन था, राइट टू फुल डिस्क्लोज़र था, तो हमारे प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो हम कर लेते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। उसके अंदर भी दो राइट हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो राइट है वो है राइट राइट फॉर फेयर ट्रीटमेंट, और दूसरा है राइट टू प्राइवेसी, राइट फॉर प्राइवेसी, ठीक है। फेयर ट्रीटमेंट का मतलब क्या होगा कि पार्टिसिपेंट को एकदम फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मीन्स उनके साथ जो भी बर्ताव हो रहा है वो सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है। स्टडी के चाहे बेनिफिट हो, क्या बोला मैंने, या फिर स्टडी के बेनिफिट हो या उसका कोई बर्डन हो, हार्म हो, बर्डन हो, ठीक है, वो सभी पार्टिसिपेंट को इक्वली शेयर किए जाने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टिसिपेंट को सिर्फ बेनिफिट मिले और कुछ को सिर्फ हार्म मिले, तो बेनिफिट और जो बर्डन है दोनों इक्वल
शेयर किए जाने चाहिए सभी पार्टिसिपेंट के द्वारा, ठीक है। सेकंड चीज़ इसमें क्या बोल सकते हैं, जो पार्टिसिपेंट के सिलेक्शन के टाइम, ठीक है, कुछ रिसर्चर क्या करते हैं कि जो इनका जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है लो है, ठीक है, पुअर है, जो उनको वो इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए। तो इस तरह का ये जो चीज़ है नहीं होनी चाहिए। पार्टिसिपेंट का जो सिलेक्शन है वो किसके ऊपर बेस होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्टडी रिक्वायरमेंट। स्टडी की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, किस लिए स्टडी है, पर्पज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करें, ना कि उनके वल्नरेबिलिटी को, ठीक है। अगर जो लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है, उनको उस बेसिस पे उनको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे हाई वल्नरेबल जो ग्रुप होते हैं हमारे, कि पुअर लोगों को चूज़ कर ले, ठीक है, या फिर जो ओल्ड एज हैं या फिर जो डाइंग पीपल हैं उनको अपने स्टडी में इंक्लूड कर ले। तो इस तरह का जो सिलेक्शन है सैम्पल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्या है कि फर्स्ट हमने क्या देखा कि पार्टिसिपेंट के सिलेक्शन किस तरह का होना चाहिए, पार्टिसिपेंट सिलेक्शन, उसमें हमने देख लिया कि अकॉर्डिंग टू द स्टडी रिक्वायरमेंट हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा है कि जो पार्टिसिपेंट अगर रिफ्यूज़ कर देते हैं स्टडी में इन्वॉल्व करने होने के लिए, तो उनके लिए जो उसका जो रिसर्चर का बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल क्या है, फेयर होना चाहिए, ठीक है। किसी तरह का बुरा व्यवहार, उनके साथ बैड ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स के रिलीजियस हैं, सभी पार्टिसिपेंट्स के जो भी उसके स्टडी के अंदर आ रहे हैं, सबके जो रिलीजियस हैं, उनके जो बिलीफ है, उनके जो लाइफस्टाइल है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए पार्टिसिपेंट को, ठीक है। ये नहीं कि अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उनमें किसी का डिफ्रेंशिएशन रिसर्चर करे, ठीक है, सभी के जो लाइफस्टाइल है उसको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट क्या है कि सभी पार्टिसिपेंट को इतनी परमिशन होनी चाहिए कि वो किसी भी टाइम्स रिसर्चर से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इक्वल राइट होना चाहिए सबका, यानी कि कुछ लोगों को वो राइट दे दे कि वो किसी कोई क्वेश्चन पूछने का, और किसी को ना दे, ठीक है। सबको राइट होना चाहिए, वो किसी भी टाइम अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं इसमें कि जो रिसर्चर है वो भी एक कम्पैक्ट वे में, एक बहुत ही स्मूथ वे में सभी लोगों को क्या है ट्रीटमेंट देगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट देने टाइम भी उसको फेयर रखना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा हो गया, राइट फॉर फेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। सबको सबके साथ इक्वली एक जैसा व्यवहार करना है, रिसर्चर को किसी की तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट फॉर प्रिवेसी। राइट फॉर प्रिवेसी में क्या है कि नाम से पता चल रहा है कि जो भी पार्टिसिपेंट स्टडी में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं उनकी जो प्रिवेसी है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। उनका ये पार्टिसिपेंट्स का क्या है, राइट है, उनका हक है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है किसी और के साथ शेयर नहीं की जानी चाहिए, ठीक है, या फिर चाहे वो उसके नेबर हो, ठीक है, जहाँ से वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसके ये नहीं कि किसी उसके नेबर में जाके उसकी बात बता दे, ठीक है। तो किसी दूसरे मेंबर से के साथ भी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं की जानी चाहिए, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है पार्टिसिपेंट्स की वो रिसर्चर को मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमने दो जो राइट्स है वो पढ़ लिए, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड राइट फॉर प्रिवेसी, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स, वो कंप्लीट होते हैं। तीन प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, और थर्ड था प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके अंदर जो राइट्स हैं वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किए। फिर भी कुछ क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।